में रिप्रोड्यूसेबल बिहेवियर, उसके बाद हमें इस पे हम फोकस कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। फिर एग्जॉशन ऑफ मीडिया का भी हमने पढ़ा था कि अगर पीएच चेंज हो रही है मीडिया के अंदर तो इट मींस दैट मीडिया इज गोइंग टू एग्जॉस्ट। उसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी कि एसिडिक पीएच हो जाएगी तो फिर उसमें क्या होगा, और इंसेक्ट्स और मैमिलियन के केस में क्या होगा, और अगर पीएच ज्यादा ड्रॉप हो जाती है और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो जाती है तो उसके रिजल्ट में ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी एंड दैट इज अ ड्रॉबैक। और फिर सेल डेंसिटी के बारे में भी पढ़ा था कि सेल डेंसिटी किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है और सेल डेंसिटी की बेस पे हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम फॉर द सब कल्चरिंग और द पैसेजिंग। और व्हेन टू सब कल्चर में हमने पढ़ा था कि सेल डेंसिटी, एग्जॉशन ऑफ द मीडिया एंड सब कल्चर स्केड्यूल, ये तीन इसके हमने कैटेगरीज पढ़ी थी। और ये भी पढ़ा था, स्टार्ट हमने यहाँ से लिया था कि सब कल्चरिंग होती क्या है, पैसेजिंग होती क्या है, ये सारी सिचुएशन के बाद एक ये ग्राफ देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन द लेट लॉग फेज वी हैव टू गो फॉर द पैसेजिंग। हम वेट नहीं करते कि न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल डिप्लीट हो जाएं और सेल डिस्ट्रॉय हो जाएं। एंड इसके बाद जो आज हम पढ़ने लगे हैं बेसिकली दैट इज अबाउट द बायोलॉजिकल कंटामिनेशंस और बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा सी डिस्कशन की थी महनूर खान अयोध्या सर। मुझे याद है कि मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं, आई रिमेम्बर, बोला नहीं मैं कहने लगी थी अभी, मुझे तो लग गया था वो मैंने बताने। अच्छा, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन की आज बात करेंगे, बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स की। इसका मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि व्हेन देयर आर द बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स इनटू द मीडियम तो उसमें हमारे पास जो सेल कल्चर है ये इसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस जो है दे आर वेरी मच हायर। और हमें कंटामिनेंट्स जो है उसमें मैंने कुछ बताई थी टाइप्स के, बैक्टीरियल कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, माइकोप्लाज्मा हो सकता है, देयर विल बी सम अदर कंटामिनेंट्स दैट। अच्छा, अब अगर कंटामिनेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें तो वी कैन डिवाइड द कंटामिनेंट्स इनटू टू कैटेगरीज। नंबर वन दैट इज केमिकल कंटामिनेंट्स और दूसरे हैं बायोलॉजिकल। और केमिकल कंटामिनेंट्स जो है, केमिकल कंटामिनेंट्स में हमारे पास आते हैं द इंप्योरिटीज इनटू द मीडिया, जो मीडिया हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर इंप्योरिटीज, जो सीरम हम ऐड कर रहे हैं मीडियम के अंदर, हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि वी हैव टू ऐड द सीरम इनटू द मीडियम। जो हम सीरम ऐड कर रहे हैं द इंप्योरिटीज इनटू द सीरम, इसके अलावा जो वाटर यूज कर रहे हैं द वाटर इंप्योरिटीज, या जो वाटर है मिसाल के तौर पर अगर वाटर जो है वो एंडोटॉक्सिन फ्री ना हो। एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं? इंप्योरिटीज एंड मीडिया एक बार, दूसरा अगर मैं इसमें लिखूं इंप्योरिटीज इन सीरम, इंप्योरिटीज इन वाटर, एंडोटॉक्सिन्स। ये एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? मुझे मतलब मुझे पता है तो मैं एंडो वाला पूछ रहा हूँ। अच्छा, कॉकअप एंडोटॉक्सिन्स की इंपॉर्टेंस क्या होगी? सर ये बेसिकली हमारे पास पैथोजेनिक होते हैं मोस्टली, तो सेल लाइंस के लिए मे बी पैथोजेनिक हो सकते हैं और ये इम्यून रिस्पॉन्स जो है सेल का उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। जब हम भी कोई भी मेडिकली स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो दैट शुड बी एंडोटॉक्सिन फ्री। और एंडोटॉक्सिन जितने भी हमारे पास सस्पेंशन आती हैं मार्केट के अंदर जिनको हम यूज कर रहे हैं, मतलब आई ड्रॉप्स हैं या उसके किसी भी वुंड पे लगाने वाले सस्पेंशन, दे शुड ऑल बी फ्री ऑफ द एंडोटॉक्सिन बिकॉज एंडोटॉक्सिन दे आर पायोजेनिक। और नॉर्मली एंडोटॉक्सिन जो है ये ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर इन द स्ट्रेस कंडीशन समहाउ एंड व्हेन दे आर फीलिंग द कंपटीशन। तो एंडोटॉक्सिन की इसमें हमारे पास हो सकती है कंटेमिनेशन, उसके अलावा इसमें कंटेमिनेशन हो सकती है डिटर्जेंट्स की। For example, we are using certain detergents to sterile or to clean the instrument that we are using for this purpose. अगर उसकी remainings रह गई हैं, तो that would be fall in the category of the chemical contaminants. और इसके अलावा इसमें हमारे पास plasticizers. ये plasticizers क्या होते हैं? Plasticizers, कॉकर. Plasticizers. Plasticizers, come on. Plasticizers.
प्लास्टिसाइडर्स इसने सही बताने की कोशिश की है somehow if we are using the plastic instruments and we are keeping the chemical reagents into the plastic that will react with the plastic body of that apparatus और उसके बाद हमारे पास जो resultant भी chemicals बनेंगे that may be termed as a plasticizer या उसके अलावा somehow अगर प्लास्टिक की आपके पास इंस्ट्रूमेंट है या कोई प्लेट है प्लास्टिक या फ्लास्क है और उसकी प्रॉपर ग्राइंडिंग या उसको उसकी रिफाइनिंग नहीं हुई हुई तो देन इन दैट केस उसके अंदर रिमेनिंग जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड नॉट दैट में भी जब हम उसके अंदर अपना मीडिया ऐड करेंगे तो उसके अंदर रिएक्ट करेंगे तो इस केस में जो हमारे पास केमिकल रिएजेंट्स कन्वर्टेड होकर बनेंगे दे मे बी टर्म्ड एज अ प्लास्टिसाइजर्स और ये हमारे यूकेरियोटिक सेल्स को यहाँ पे ये याद रखिए कि यूकेरियोटिक सेल्स दे आर वेरी सेंसिटिव दे आर नॉट लाइक द बैक्टीरियल सेल्स जो कि बड़े डीन है तो इस केस में दे मे हार्म द सेल मॉर्फोलॉजी सेल मेटाबॉलिज्म तो अल्टीमेटली हम इनको कंटेमिनेंट्स की कैटेगरी में ऐड करेंगे और कंटेमिनेंट्स कौन से केमिकल कंटेमिनेंट्स अब अगली बात करते हैं बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स की व्हेन वी टॉक अबाउट द बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स दे मे इंक्लूड बैक्टीरिया फंजाई में खास तौर पे यीस्ट इसके अलावा मोल्ड्स इसके अलावा माइकोप्लाज्मा ओके इसके अलावा इसमें एक और चीज आएगी क्रॉस कंटेमिनेशन आएगी यहां पे मैं क्रॉस कंटेमिनेशन मैं एक दफा बता चुका हूं क्रॉस कंटेमिनेशन आएगी इसमें क्रॉस कंटेमिनेशन मतलब फॉर एग्जांपल यू आर ग्रोइंग टू सेल लाइंस और टू टाइप्स ऑफ सेल्स साइमल्टेनियसली और वो क्रॉस कंटेमिनेट कर गए एक ही कंटेमिनेशन दूसरे में आ गई है तो दिस विल बी टर्म्ड इन द क्रॉस कंटेमिनेशन अब थोड़ा सा इनको जरा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं व्हेन वी refer towards the bacterial contamination or contaminants. You know that bacteria, the ubiquitous. Spelling, मैं अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ spelling, ubiquitous level. Ubiquitous. This is B. Bacteria are the ubiquitous. What is that? Present everywhere. Ubiquitous. Present Excuse everywhere. Me, sir. Ubiquitous. Excuse present me. Everywhere. Yes. Sir, आप slides भी जो है वो हमें इसी तरह show नहीं हो रही और board भी show नहीं हो रहा. तो ये क्या show हो रहा है फिर आपको तब से? Sir, slide जो है वो trypsin वाली show हो रही है हमें. अच्छा सजल ये slides नहीं है आज सिर्फ board ही है. ओके अबोर्ड आ रहा है शो हो रहा है यस सर अब क्लियर है हां गुड अनफॉर्चूनेटली फाइव स्लाइड्स नहीं है सर अब रिपोर्ट में सर आपने बहुत राइट साइड पे कर दिया है इसको घुमाने के लिए लाइक दैट या जस्ट प्रेस अगेन सो मैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन नहीं नहीं अच्छा सजल इज दैट क्लियर यस सर गुड ओके तो अगर बैक्टीरिया की बात करें बैक्टीरियल कंटामिनेशन की या बैक्टीरियल कंटामिनेंट्स की तो इट मे टर्म्ड एज बैक्टीरिया आर यूबीक्यूटस दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर प्रेजेंट एयर स्कैन सोइल जितनी भी चीजें सेल कंटामिनेशन सेल के साथ डील करते हुए सेल कल्चर के साथ डील करते हुए एक्सपोज हो सकती हैं उन सब पे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं अच्छा अब बैक्टीरिया के अंदर जी नहीं देखें यूं ये बात नहीं कर मैं ये नहीं कह रहा कि इक्वलाइज प्रेजेंट मैं कह रहा हूं कि बैक्टीरिया यस बैक्टीरिया आर यूबिक्यूटस बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर स्किन पे है तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है गट में है तो इक्वलाई है एयर में है तो कोई और स्ट्रेन है बट दे आर बैक्टीरिया दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज द टर्म यूबिक्यूटस कर सकते हैं ना हम यूज ये बात कर रहा हूं सिर्फ मैं
अच्छा अगली बात जो इसमें मैं कह रहा हूँ कि यू यू आर फैमिलियर विद कि बैक्टीरिया इनकी डिफरेंट रेंजेस हैं, इनकी शेप्स की, इनकी ग्रोथ पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, ये डिफरेंट केमिकल कंडीशंस पे ग्रो कर सकते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन पे ग्रो कर सकते हैं, एंड दैट मेक्स इट कम्फर्टेबल टू ग्रो एवरीवेयर. सो इसका मतलब है कि अगर आप मैमिलियन सेल्स ग्रो करवा रहे हैं, इंसेक्ट सेल्स ग्रो करवा रहे हैं, चाहे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करवा रहे हैं या उससे कम, बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू contaminate your cell culture. अब सवाल अगला यह है कि जब bacteria की contamination हमें देखने में मिलती है, तो हम किस तरह से observe कर सकते हैं कि this cell culture plate is contaminated with the bacteria? क्योंकि हमारे पास cell culture plate हम देखते हैं inverted microscope में, और उसमें मैंने आपको कुछ इसमें images दिखाई थी इसी slides पे, like this. ये मैंने आपको दिखाई थी, remember? इसमें आपको मैंने ये दिखाई थी कि दीज आर द सेल कल्चर सेल्स और इसमें फाइब्रोब्लास्ट थे, और नॉर्मली फाइब्रोब्लास्ट हमारे पास इस तरह से नजर आता है. लेकिन अब मसला ये है कि इसमें हम ये तो फाइंड आउट नहीं कर सकते कि बैक्टीरियल कंटैमिनेशन है कि नहीं है. तो उसके लिए तरीका क्या है? दीज आर द सेल्स, ये एक सेल है, ये सेल है, अब ये वाली स्पेस है, दिस वन, ये सारी एम्प्टी स्पेस है, दिस इज द एम्प्टी स्पेस, ये सारी एम्प्टी स्पेस है, और अगर बैक्टीरियल कंटैमिनेशन आ जाए तो होता क्या है कि इस एम्प्टी स्पेस में एक फिल्म बनती है, फिल्म, बैक्टीरियल फिल्म. नॉर्मली ये मीडिया, यहां पे अगर एम्प्टी स्पेस है तो मीडिया ट्रांसपेरेंट होगा नॉर्मली, बट व्हेन देयर इज अ बैक्टीरियल कंटैमिनेंट्स इनटू दिस मीडियम, दे विल फॉर्म अ फिल्म हियर, थिन फिल्म, हेजीनेस शो होना शुरू हो जाएगी. यहां से हमें शक होगा कि दिस इज द बैक्टीरियल कंटैमिनेशन. फिर हम माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन एनहांस करेंगे अप टू 100x. जब 100x पे करके देखेंगे तो डेफिनेटली वी कैन आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया. 100x पे तो बैक्टीरिया नजर आते हैं 30 प्लेट के अंदर. तो द फर्स्ट स्टेप इज दैट व्हेनेवर यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ फिल्म्स, दरमियान में जो खाली जगह है वहां पे, या सेल्स डिटेरियोरेट करना शुरू हो जाए, दूसरा साइन. फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, ये हमें हेजीनेस नजर आती है, हमें क्लियर मीडिया नजर नहीं आ रहा होता एम्प्टी स्पेसेस पे. और उसके बाद अगला स्टेप होता है मैग्निफिकेशन इनहांस करते हैं, क्योंकि जब हम यूकैरियोटिक सेल्स को देख रहे हैं तो हम 10x पे या 40x पे देख रहे होते हैं, 10x 40x पे बैक्टीरिया हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. तो अगर हमें शक है तो देन वी विल इनहांस द मैग्निफिकेशन पावर अप टू 100x. वी विल ऑब्जर्व जहां पे हमें फिर फिल्म फॉर्मेशन मिलेगी जो इंडिकेट करेगी कि ये बैक्टीरियल कंटैमिनेशन है, और उसके बाद फिर हम यहाँ से सैंपल लेके उसकी स्लाइड बना के उसकी स्टेनिंग करके मजीद कंफर्म कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है? दिस इज द बायोलॉजिकल कंटैमिनेंट्स, और उसमें पहला था बैक्टीरियल कंटैमिनेशन. गॉट इट? जी 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 जी. जो अगर तो ये क्वेश्चन है ना कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम बाज़ों का नहीं कर सकते. देखें जब हम काम करते हुए एक्सपर्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं तो काम करते हुए ही मस्ट नो कि मैंने कहाँ पे लूपहोल छोड़ा. उसकी स्टरलाइजेशन मीडिया की प्रॉपर नहीं हुई. हमारी लैब के अंदर अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि शायद इन्होंने ऑटोक्लेव प्रॉपर नहीं किया, एक मसला. दूसरा मसला हमारे पास आता है कि लैब के अंदर जब काम हो रहा है तो एयर करंट्स जाते हैं जिन्होंने बैक्टीरियल कंटैमिनेशन इंट्रोड्यूस करवाई है. लेकिन अगर प्रोफेशनल जगह पे काम हो रहे हैं तो ऑटोक्लेव वाला ऑप्शन ओमिट हो जाता है, बिकॉज़ उनके ऑटोक्लेव जो है वो एरर फ्री है. दूसरा, देयर आर नो एयर करंट्स, वो भी ओमिट हो गया. तीसरा, फिर जब बात आती है, हो सकता है कि जो लैमिनेट हुड है उसका हेपा फिल्टर काम नहीं कर रहा प्रॉपर, और वो फिल्टर किए बगैर एयर को इनफ्लो कर रहा है, इसकी वजह से कंटैमिनेशन आ सकता है. चौथा, ग्लव्स तो पहने हुए हैं लेकिन हो सकता है उनको प्रॉपर स्टाइल ने किया हो और उसके बगैर ही काम शुरू कर दिया हो. पांचवा, जिस सरफेस पे काम हो रहा है वो सरफेस प्रॉपरली स्टाइल ना किया हो. उसके बाद जो टिप्स हैं हमारे पास, बाज का टिप्स हैं वो हमारे पास कंपनी प्रिपेयर आती हैं, हो सकता है उसमें एरर हो, लेकिन उस एरर के चांसेस भी शदीद कम होते हैं. ठीक है, फिर हमें बाज का ऐसा है कि वो जो बैटरी प्लेट है उसको किसी ने हुड के बाहर खोल दिया है, इनको बैटर के अंदर खोल दिया है, फिर भी चांसेस हैं. तो देयर दीज आर मल्टी स्टेप्स. लेकिन जब एक प्रोफेशनल काम कर रहा है तो वो इन स्टेप में से बहुत सारे स्टेप्स को रिड्यूस कर लेता है. कैसे? ऑटोक्लेव रिड्यूस हो गया, हेपा फिल्टर का डेट होती है कि इस डेट को चेंज किया और इसकी एक्सपायरी यहाँ तक है, उसका भी खत्म हो गया. अपनी जो पर्सनल एरर है उसको परसू किया जा सकता है, और ये इंश्योर किया जा सकता है कि बैटरी प्लेट किसी और के एक्सेस में ना हो. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं देने का, ठीक है?
दीज आर द बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स। आइडेंटिफाई कैसे करना, नॉर्मली सेल कल्चर का मीडिया ट्रांसपेरेंट हुआ कहते हैं। दो टाइप्स की सेल लाइंस पड़ी हैं, अडहेयर्ड और सस्पेंशन सस्पेंडेड। जो अडहेयर्ड है ये एक लेयर बनाती हैं, और जो जहां पे सेल्स की लेयर नहीं होती वहां पे खाली जगह होती है, और वो खाली जगह वो मीडिया ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे ये खाली जगह, अगर यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ आ गई तो ये हेजी हो जाएगा, पूरी फिल्म बनी नजर आएगी। हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, कंफर्म करेंगे, और फिर हम उसकी स्लाइड बना सकते हैं और फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जरूरी नहीं है, हो सकता स्टार्ट में आ जाए। मुझे अगर सेल कल्चर का नहीं अंदाजा, मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया, मैं उसको बैक्टीरियल कल्चर की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, माइट पॉसिबल कि मैं पहले स्टेप पे कंटामिनेशन ले आऊँ। मैंने कभी अगर सेल कल्चर की लैब मेंटेन नहीं की, मैंने कभी, मेरे पास उसकी ट्रेनिंग नहीं है, तो इट इज पॉसिबल कि मैं उसका एनवायरमेंट जो है वो कंटामिनेशन फ्री मेंटेन ही में रख सकूँ और मैं उसमें कंटामिनेशन ले आऊँ। एक दफ़ा सेल कल्चर का कंटामिनेशन आ जाए तो उसको रिड्यूस करना और एलिमिनेट करना एक अच्छा खासा हेक्टिक काम है, और मुझे याद पड़ता है कि शायद एक दफ़ा हमारी लैब में आई थी तो 2 से 3 महीने लगे थे उसको एलिमिनेट करने में, खास तौर पर अगर माइकोप्लाज्मा की या फंगस की आ जाती है, इट्स डिफिकल्ट टू फिनिश इट। एंटीबायोटिक से बात करूंगा जी, जो तो ये सेल है, जिन सेल्स जो सेल्स कंटेमिनेट हो गए आप इनको तो रिवाइव नहीं करा सके, ये तो गए। फिर क्या करेंगे कि उसके अंदर से जितने भी आपके पास ग्रोइंग सेल्स हैं आप सारे रिमूव करके पूरे का पूरा सेल कल्चर उनको कंटेमिनेशन फ्री करेंगे, स्टराइल करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग यूवी लाइट, 70% एथेनॉल, व्हाटएवर यू हैव टू फॉलो। और फिर जब आपने सेल्स को ग्रो करवाना है तो फिर आपके पास स्टॉक में सेल्स पड़े हैं, स्टॉक में इनिशियल सेल्स, अब वहां से लेके सैंपल उसको रीग्रो करवाएंगे, इनको आप कंटामिनेशन फ्री अब नहीं कर सकते, ये हो गया, इनको इन्फेक्शन हो गया। ओके अच्छा, अगला जी हमारे पास यीस्ट। यीस्ट जो है, यीस्ट इज दैट इज अ फंगल फंगल कंटामिनेशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ फंगल कंटामिनेशन। फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा, अब दूसरा है यीस्ट, दिस इज अ टाइप ऑफ फंगल कंटामिनेशन, एंड यू नो दैट यीस्ट इज अ यूकेरियोटिक सेल्स एंड दैट इज अ बिग larger as compared to bacterial cell. और yeast के केस में हमारे पास होता क्या है कि when there is a contamination into the cell culture and this contamination is due to the yeast, तो उसमें भी हमारे पास turbidity आती है, जो cell culture medium है उसमें turbidity आना शुरू हो जाएगी। turbidity is the first sign that there is something abnormal happened here. और turbidity आई और उसके बाद pH में change आता है, there is a little change in the pH. और जब पीएच हमारे पास ड्रॉप करती है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द यीस्ट, और अगर हमारे पास ज्यादा हैवी ग्रोथ यीस्ट की नहीं आई तो पीएच स्लाइटली ड्रॉप करेगी, चेंज होगी। अगर यीस्ट की हैवी ग्रोथ आ गई है तो पीएच सडन चेंज करेगी, ठीक है। और हम चुके सर पीएच, एक्सक्यूज मी सर, पीएच एसिडिक होगी या बेसिक ड्रॉप करेगी, एसिडिक की तरफ जाएगी? हाँ मैंने ड्रॉप करने का कहा है ना, ठीक है, ओके। अच्छा एक और बात देखिएगा कि अगर हम बाज का ये पीएच ड्रॉप और इंक्रीज की टर्म में हमें बात नहीं करनी चाहिए, ये कंफ्यूजिंग होती है। अगर आप एसिडिटी की बात कर रहे हैं तो पीएच इंक्रीज वुड बी 7 to 0। अगर हम अल्कलिनिटी की बात कर रहे हैं तो पीएच इंक्रीज वुड बी 7 to 14। तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि इस कंटेमिनेशन की वजह से जो पीएच है वो एसिडिक नहीं होती, वो बेसिक की तरफ मूव करती है। ओके तो यीस्ट की ग्रोथ से पीएच है वो बेसिक की तरफ मूव करती है। अच्छा आगे उसके बाद अगला सवाल ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है या ये यीस्ट कंटेमिनेशन है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि पीएच की इंडिकेशन आ गई, मीडियम के अंदर हेजीनेस तो दोनों में आती है, बैक्टीरियल में भी आती है और यीस्ट कंटेमिनेशन में भी आती है, लेकिन यीस्ट के केस में पीएच चेंज हुआ। इसके साथ साथ जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे मीडियम को देखेंगे तो यीस्ट सेल जो है, यू नो दैट यीस्ट सेल डिवाइड विद द बडिंग प्रोसेस, तो हमें यीस्ट सेल बडिंग करते हुए नजर आते हैं। बैक्टीरियल सेल डिवाइड बाय द बाइनरी फिशन और यीस्ट सेल बडिंग के जरिए। तो जब हम 40x पे देख रहे हैं सेल कल्चर को, यीस्ट चूंकि इटसेल्फ दिस इज यूकेरियोटिक सेल That can be viewed with at the 40x, और यहाँ पे हमें budding होती नजर आती है, और this budding will prove that, as well as the change in pH, that will prove that this is the yeast infection or the fungal infection. Clear?
नॉट ओनली द यीस्ट अदर फंगल इन्फेक्शन में आल्सो डिसरप्ट द सेल कल्चर एंड दीज फंगल इन्फेक्शन उसमें ब्लैक फंगस जो स्पोर्ट्स की फॉर्म यू नो दैट फंगस स्पोर्ट्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द एयर एंड इफ यू हैव नॉट डीकंटामिनेटेड और नॉट स्टराइल द सेल कल्चर रूम तो फंगस स्पोर्ट्स में भी प्रेजेंट इन दैट एयर इसीलिए सेल कल्चर रूम में यूवी लाइट्स होती हैं जो आप थोड़ी देर में आधा घंटा घंटा चला के उसको छोड़ देते हैं या इवन सेल कल्चर रूम जो प्रॉपर है वो उसमें हेपा फिल्टर इंस्टॉल होते हैं तो उसके अंदर जो एयर आ रही है वही फिल्टर होके आ रही है जो उसमें से एयर बाहर निकल रही है वो भी फिल्टर होके बाहर निकल रही है तो इन दैट केस वी कैन रिड्यूस द कंटामिनेशन ऑफ द फंजाई और फंजाई की जो कंटामिनेशन है उसमें मैंने भी बताया कि यीस्ट इंपॉर्टेंट है और इस केस में हमारे पास यीस्ट है दिस विल रिड्यूस दिस विल चेंज द पीएच एंड व्हेन इट विल चेंज द पीएच उसके साथ साथ हमारे पास हमें माइक्रोस्कोपी में बडिंग होती हुई नजर आएगी एंड इसके अलावा इनिशियली हेजीनेस नजर आएगी हमें medium के अंदर this would be the indication that the yeast जो है वो grow कर रहा है is that clear okay बात समझ में आ रही है? Kaukab, how will you define the molds? Sir, the molds are the fungi which have hyphae, like hyphal networks. Molds are the multicellular organisms in the kingdom fungi that grow in the form of multicellular hyphae. Yes, sir. And they form a body that is termed as mycelium. Yes, and this mycelium, तो sir वो basidios mycetes specifically हो जाएगी ना उनके लिए मतलब वो fungus protein is termed as a mycelium and that is made up of yes, hyphae. Yes, sir. हमारी बात उसने yes sir कहा. अच्छा. sir हम इसे अलग क्यों रखते हैं हम इसे fungi में हम इसको fungi में नहीं रख सकते क्योंकि इसमें हमारा मसला ये है कि जब mycelium इसके grow करते हैं तो actually they are connected mycelium, cross-connected among each other. और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि change in pH है या haziness है वो fungi वाली नहीं है इसके अंदर लेकिन चूंकि ये एक mycelium body और connected hyphae बनाता है जिसकी वजह से हमने फिर उसको एक सेपरेट कैटेगरी में पुट कर दिया सर इसमें एक कंफ्यूजन मेरी सर के मोल्ड्स में हम लोग सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट दोनों को कंसीडर करेंगे या उसमें भी हमारे पास आगे स्पेसिफिकेशंस आ जाएगी लाइक हम लोग यीस्ट को फॉर मोल्ड्स हम दोनों को कंसीडर करेंगे हम दोनों को कंसीडर करेंगे इसमें अच्छा दूसरा इसके अंदर जवेरिया ये है कि मोल्ड्स हैं दे बियर मोर हार्श कंडीशंस एज कंपेयर टू फंजाई और इनको एलिमिनेट करना और किल करना हमारे लिए एक बाकी चैलेंज है तो फिर इस वजह से हम इसको सेपरेट करते हैं मैं इसलिए देख रहा था कि बस तक मुझे सोचने के लिए इधर उधर वो होते थे कुछ नहीं हुआ when there is initial stages to usme hamare paas wahi haziness change in ph but when the contaminants will grow in the mature form they will form a connected hyphae to hame hums connected hyphae nazar aana shuru honge yes aur uske baad ye jo molds aur ye fungal contamination hai isko sorry bacterial aur fungal contamination hai isko istemal kar isko inhibit karne ke liye hum sometimes antibiotics ka istemal karte hain hum media ke andar na एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं मैंने पढ़ाया था सेल कल्चर मीडिया में तो जो मोल्ड है दे कैन बी इन मोर हार्श कंडीशन समहाउ दे आर नॉट इनहिबिटेड विद द एंटीबायोटिक्स दैट वी हैव एडेड टू किल द बैक्टीरियल कंटामिनेशन सो इट मींस दैट इफ यू हैव एडेड द इनफ कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स इन द मीडियम बट स्टिल देयर इज अ ग्रोथ सम कंटामिनेंट्स मीन दैट देयर आर मोल्ड अच्छा मोल्ड्स तक ओके ड्राइंग में अच्छा नहीं connected hyphae mycelia are growing and mycelium bodies they are connected
and somehow they are cross connected and they are changing or they are exchanging their material. Cross. No. इसमें डिटेल में जाने माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ रहे हैं मोस्ट ऑफ मैंने पढ़ा ये तो तो ये तो बेसिक कंटेमिनेंट से बात कर रहे हैं तो सिर्फ काम रन इतना है कि जो हमारे पास हाइफी हैं वो क्रॉस कनेक्ट कर गए हैं लाइक दिस एक नेटवर्क बना गए हैं और जिससे हम इसको और दूसरा हार्श कंडीशन बियर कर सकते हैं जिस वजह से हम इसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं फ्रॉम द फंगल कंटेमिनेशन और द स्पेसिफिकली फ्रॉम द यीस्ट कंटेमिनेशन. दिस वाज अबाउट इट. अगला है वायरसेस. सर जैसे हम इसको इनिशियली देख रहे हैं वो फंजाई के अंदर भी चेंज हो रहा है इसके अंदर भी चेंज हो रहा है. दिस इज नॉट द ओनली वे. हम इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे और जिससे हमें इसकी क्रॉस लिंक मिलेंगे और दूसरा हम इसके अंदर ये देखेंगे कि इट इज बेयरिंग मोर हार्श कंडीशन जिसकी मैंने अभी एग्जाम्पल दी कि नॉर्मली हम मीडिया के अंदर एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन ऐड करते हैं बट इफ बाय एडिंग द एंटीबायोटिक स्टिल द कंटामिनेशन इज ग्रोइंग देयर इट मींस दैट दे आर बेयरिंग हार्श कंडीशंस एंड देन देम इन मोल्ड्स. ठीक है. ओके सर. अच्छा अब जो वायरल कंटामिनेशन है viral contamination ke case mein you know that viruses they used to attack the host cell. They enter into the host cell and when they enter into the host cell the lytic and lysogenic cycle chalta hai. When there is a lytic cycle to lytic cycle mein ke case mein host cell burst kar jata hai. So it means that if the viral contamination is there cells may be more deteriorated. Cells may be more deteriorated because virus that is using the machinery of the cell and that is using the machinery for its own replication and as a result the lytic cycle cells may be deteriorated or the host cells may be deteriorated. That may be the indication of the viral attack or viral infected cell cultures hain that may be the serious health hazard for the user. Meri baat ki samajh aayi hai. Viral contaminated cell cultures that may be of serious health hazard for the scientist jo ki us pe kaam kar raha hai. Kyun? Kyunki agar hum eukaryotic cells pe koi grow karwa rahe hain animal cells pe grow karwa rahe hain kisi aise virus ne attack kar diya ki jisne usse us cell culture ke cells ko deteriorate karke rakh diya to jo user hai wo bhi animal hai aur wo bhi eukaryotic hai to uske liye serious health hazard hai. तो उस केस में हमें बहुत ज्यादा फिर सीरियसनेस शो करना पड़ती है कि उन प्लेट्स को हैंडल कैसे करना है और उनको डिस्कार्ड कैसे करना है और इसके लिए कुछ फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं कि बाद में इनको बेटर को आपने कैसे स्टराइल करना है और जो जो पर्सनल है उसकी पर्सनल जो प्रोटेक्शन है उसके लिए हमें क्या करना है. तो स्टिल इफ वी आर वर्किंग विद द ह्यूमन पैथोजेनिक वायरसेस जैसे एचसीवी है एचआईवी है इनपे जितनी भी वैक्सीन हैं एचसीवी की वो सारी पहले सेल कल्चर से पास थ्रू करके ट्रायल्स तक गई तो जब इस पे काम करता तो इसके लिए फिर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और इसके लिए बायोसेफ्टी लेवल 3 और 4 में और ये सारे के सारे हमारे पास एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस हैं ये सारी इसमें ऐड होती हैं बिकॉज इफ वायरस कैन अटैक दैट सेल यूकेरियोटिक सेल्स इट मींस दे मे अटैक द साइंटिस्ट दैट इज वर्किंग ऑन इट एंड दे मे पोज अ सीरियस हेल्थ हैजर्ड. ओके उन्होंने वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे. अच्छा हेपा फिल्टर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे ठीक हो गया. हमारे पास देखिए आइडियल कंडीशन में तो नहीं आई थी बट व्हेन एवर द मशीनरी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑटोमेटेड ऑटोक्लेव्स हैं बट क्या हुआ कि ऑटोक्लेव अपना साइकिल पूरा नहीं कर रहा इट्स एन एरर. उस एरर के चार्ज में वापस आती है पर रेगुलरली उन बायोसेफ्टी लेवल्स में वापस नहीं आती. और दूसरा ये जो वायरल यूकेरियोटिक सेल लाइंस में वायरस के साथ जनरली काम करते हैं तो वहां पर तो पॉसिबल भी नहीं है. आपने देखा नहीं ये कोविड के केस में किस लिए नहीं बन पा रही थी वैक्सीन क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था काम करना. और पता नहीं बर्ड में चंद लैब्स ऐसी थी जो इस पर काम कर सकती थी.
तो मैं उसके बाद हम नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे कि किसी तरह से वायरल कंटेमिनेशन इंट्रोड्यूस हो जाए उन नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल्स में जो आप ग्रो कर रहे हैं, उस केस में हमें क्या करना होगा, ठीक है? तो वहां से बात करते हैं। नॉर्मल तो हम मतलब लेवल 1 2 में तो नहीं कर सकते ना, हम तो करेंगे लेवल 3 और 4 में। अगर हम वायरल मतलब सेल लाइंस दे रहे हैं उन पे हम पोटेंसी चेक कर रहे हैं, वो उसमें हम करेंगे। लेकिन हम अगर नॉर्मल आप सेल कल्चर लगा रहे हैं किसी भी अदर टू चेक द इफेक्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, तो वो तो हम अपने नॉर्मल लेवल कर सकते हैं विद सम मॉडिफिकेशंस। उसमें तो हमें हाई फाई बायो 3 और एबीएसएल लेवल 3 या 4 नहीं चाहिए, उसमें हमने रन कर दिया। अब उसके अंदर आ गई वायरल कंटेमिनेशन, अगर उसके अंदर भी वायरल कंटेमिनेशन आ गया तो वो वायरल कंटेमिनेशन भी हम यूजर के लिए डेंजरस हो सकती है। तो ये बात है, किसी के लिए भी हो सकती है ना डेंजरस, वो सिर्फ यूजर के लिए तो नहीं ना। बाकी लोग जो है वो उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो नहीं है ना, जो यूजर है वो उसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। हाँ, लैब में जितने लोग होंगे, देखें सेल कल्चर का पोर्शन हमने पढ़ा था, हमने आइसोलेटेड किया होता है, तो उसमें सारे लोग एक्सपोज नहीं हो रहे ना, उसमें यूजर एक्सपोज हो रहा है जो कि जाके दूसरों को एक्सपोज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया वो यूजर का किया ना, साइंटिस्ट उस पर वो काम कर। अच्छा, अब अगला जो हमने देखे हैं फंजाई और बैक्टीरिया, उसमें हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एट 100x, बट यू नो दैट वायरल कंटेमिनेशन दैट कैन नॉट बी identified at 100x of the compound microscope. For that, we have to use electron microscope. For the identification of viral contamination, we have to use the electron microscope. Iske alawa, the other technique that may be used, this is called immunostaining, ELISA, or the PCR. Immunostaining, ELISA, or the PCR. What is ELISA? एक्रोनिम ने पूछा होता है क्या ये पूछ बताएं ज्वेलिया पढ़ा है किसी लेवल पे कोई बायोलॉजिकल टेक्निक्स पढ़ी है अभी तक बस ठीक है फिर इसकी डिटेल में हम जाएंगे इसके अलावा पीसीआर इस्तेमाल हो सकता है फॉर एग्जांपल जिस तरह एचसीवी टेस्ट के लिए पीसीआर के जनरल प्राइमर इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें पीसीआर अगर आपके ब्लड सेल में फॉर एग्जांपल किसी के ब्लड सेल में अगर कोई वायरल का जीनोम मौजूद है दैट विल बी एम्प्लीफाइड एंड दैट विल बी इंडिकेशन दैट उसमें क्वांटिटी पीसीआर के थ्रू हम कर सकते हैं जबकि हमने बैक्टीरिया और फंजाई में पढ़ाया कि हम उसकी बैक्टीरिया केस मैंने बताया था कि हम उसकी स्लाइड बना सकते हैं हम उसको 100x पर लेके जा सकते हैं बट वायरस में थोड़ी सोफिस्टिकेशन है बिकॉज दैट इज वेरी टाइनी एंड फॉर दिस वी कैन गो फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इम्यूनोस्टेनिंग एज वेल एज ELISA एंड द पीसीआर ठीक हो गया जी अगली बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की माइकोप्लाज्मा व्हाट इज माइकोप्लाज्मा हसन सबसे छोटा बैक्टीरिया तो जरा साइंटिफिक बात किया करो सबसे छोटा बैक्टीरिया व्हाट इज दैट पहले तो मुझे ये बताओ कि ये माइक क्लोज कैसे होता है पिछली क्लास में इसने बात की थी ना कौन जैन यही था ना पिछली क्लास में माइक क्लोज वाला चलो इसकी बात अभी करते हैं पढ़ लिया तुम जरा मुझे बता के जाओ माइक क्लोज कैसे होता है माइक कवर्ड है अच्छा यस व्हाट इज माइकोप्लाज्मा एनीथिंग एल्स एंड देन हाउ इट इज सर्वाइविंग हाउ इट इज सर्वाइविंग सर खाली कंप्यूटर में सर्वर नहीं ना सेल वॉल को प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल शदीद किस्म के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है यू कैन नॉट से दैट उसके बाद क्या स्पाइन भी होता है bacteria and is chote size ki wajah se this is the first contaminant of the eukaryotic cells aur isme hamare paas jo is mycoplasma acha because mycoplasma that is very small and tiny so it is very difficult to detect और ये चूंकि डिफिकल्ट है डिटेक्ट करने में और इस वजह से क्योंकि नजर भी नहीं आता इसके कोई विजिबल साइन ऑफ इन्फेक्शन भी नहीं है तो इसमें हम सवाल ये आता है कि हम इसको फिर डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं देखें दो बातें हो सकती हैं माइकोप्लाज्मा जो है दे इट मे कॉज द क्रॉनिक इन्फेक्शन
as well as the acute infection, mycoplasma. Chronic infection ke case mein mycoplasma is persists for a longer time. और एक्यूट के केस में माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हुआ उसके बाद उसने सेल्स को डिटेरियरेट किया और खत्म कर दिया. तो जो क्रॉनिक के केस में है उसके केस में हमारे पास तो एज सच कोई सिम्टम्स या विजिबल साइन नहीं आते जब तक हमारे पास माइकोप्लाज्मा जो है वो सेल्स को डिटेरियरेट करना ना शुरू करते. एंड इन केस ऑफ एक्यूट व्हेन माइकोप्लाज्मा हैज स्टार्टेड द डिटेरियरेशन ऑफ द सेल्स फिर हमारे पास हम कहेंगे दीज आर द विजिबल साइन. अब देखें माइकोप्लाज्मा है आप सेल्स डिटेरियरेट हो रहे हैं. We cannot even see the films of the bacteria. pH drop भी नहीं हो रही, haziness भी नहीं आ रही, cells जो हैं वो die कर रहे हैं. तो अब हमारे पास जो ultimate cell जो eukaryotic cells हैं, इनकी decrease density हम आप expect कर रहे हैं कि 6 घंटे के बाद इसकी normal इतनी density हुआ करती थी, अभी 6 घंटे के बाद उसकी decreased density है. So it means that there is a contamination. अगर cells जो हैं वो agglutination कर रहे हैं, agglutinate कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दिस इज द माइकोप्लाज्मा कंटामिनेशन. इसके अलावा ये ग्लूटिनेशन का जो पॉइंट है दैट वुड बी एप्लीकेबल ओनली फॉर द सस्पेंशन कल्चर सस्पेंडेड है एंड इफ देयर इज अ कंटामिनेशन ऑफ द माइकोप्लाज्मा दे विल स्टार्ट द ग्लूटिनेशन करेंगे. ठीक है, और ग्लूटिनेशन दैट विल बी द साइन ऑफ माइकोप्लाज्मा कंटामिनेशन इनटू द सस्पेंशन कल्चर्स. एंड हाउएवर जी ये हम डिफरेंशिएट ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल अगर इसमें जो माइकोप्लाज्मा कंटामिनेशन को हम नॉर्मली डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, इसके लिए हम रेगुलरली फिर अपने जो कल्चर है उसकी हम इम्यूनो स्कैनिंग कर रहे होते हैं, PCR कर रहे होते हैं, खासकर क्वांटिटेटिव PCR, ऑटो रेडियोग्राफी कर रहे हैं और साथ ही ELISA. ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इनमें से कोई भी एक आप ऑप्ट कर सकते हैं. इनको हम रेगुलरली कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर PCR कर रहे हैं और आफ्टर सम टाइम उसके अंदर आना शुरू हो गया है माइकोप्लाज्मा का जीनोम और लेकिन हमारे पास डिटरेशन के साइन नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यह है कि कंटेमिनेशन क्रॉनिक है. डिटरेशन के साइन नहीं आ रहे लेकिन जीनोम उसमें अपीयर हो रहा है, फिर क्रॉनिक है. लेकिन अगर डिटरेशन के साइन भी आ रहे हैं, कंटेमिनेशन PCR में जीनोम भी आ रहा है, इट मीन्स के दिस इज एक्यूट. अगर बैक्टीरियल कंटामिनेशन है तो उस केस में हमारे पास वो एक हेजीनेस और फिल्म बनेगी, वो 100x पे नजर आ जाएगी, फिल्म में बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो जाएगी. माइकोप्लाज्मा में ना फिल्म बनेगी ना वो 100x पे हमें नजर आएगा. नहीं, मैं इससे एग्री नहीं कर रहा इस बात से. मुझे बात जितनी समझ आई उसके अकॉर्डिंग शायद मैं समझ नहीं पा रहा. हाँ, को एग्जिस्ट हो सकता है लेकिन चूंकि बैक्टीरियल कंटामिनेशन के साइंस बड़े ऑब्वियस हैं तो हम फिर उसी की तरफ फोकस करेंगे. अनटिल अनलेस के हमारा केस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो हम उसको फिर उसके PCR और उसके डिटेल में जाएं और फिर वहाँ से हम डिस्क्रिमिनेट करें. अदरवाइज अभी जो कंटामिनेशन आती है वो पर्टिकुलर तो आगे लोग बाय थैंक यू नया ग्रो कर रहे हैं और मतलब उस उससे डाल कर कंडीशन को. बट स्टिल इफ यू कैन नॉट अफोर्ड टू डिस्कार्ड द सेल्स देन इन दैट केस यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट आइडेंटिफाई किसकी कंटामिनेशन है, उसके अगेंस्ट अगर आप कोई रेमेडी यूज कर सकते हैं यू हैव टू यूज द रेमेडी. ठीक है, दो मिनट की ब्रेक लेते हैं. थक गया हूँ मैं खड़ा हो. ओके okay.